हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आपके भी फ़ोन में ब्लूटूथ या फिर वाईफाई है अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ब्लूटूथ अगर आपका कनेक्ट हो रहा है पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी डिसकनेक्ट हो जा रहा है या फिर पेयर हो रहा है कभी पेयर नहीं हो रहा है, तो इस ब्लूटूथ प्रॉब्लम से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे इन फीचर्स का इस्तेमाल और कैसे इसको ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है रीसेट। टेंशन मत लीजिए, आपका डेटा वगैरह नहीं उड़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर आपको नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो भी लॉक होगा उसको खोल लीजिएगा, खोलने के बाद एंटर हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लूटूथ वाला ऑप्शन, फिर से आपको खोल लेना है अगर नहीं खुलता है तो, और खोलने के बाद रेड निशान आ जाता है तो वापस से आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि रेड निशान आते ही आप इस पर क्लिक करेंगे। और टेंशन मत लीजिए, डेटा वगैरह नहीं उड़ेगा, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ना कि ये नीचे वाले पे, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप की जानकारी आपको पसंद आई, पसंद लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।